व्रतों और त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब कभी व्रत आएंगे कभी त्योहार आएंगे और मीठा बनता ही रहेगा। तो मीठे के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक रेसिपी, जिसे आप दूध के लड्डू भी कह सकते हैं, मलाई के लड्डू भी कह सकते हो और पनीर के लड्डू भी कह सकते हो। ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत कम समय में। चलो देखते हैं कैसे बनती है ये। हेलो फ्रेंड्स, करीब 1 लीटर दूध से हम बनाएंगे, तो मैंने 1 लीटर दूध को फाड़ कर ही पनीर बनाया है और पनीर कैसे बनता है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगी। 4 चम्मच हम मलाई लेंगे, इलायची के 6-7 दाने लेंगे, उनको छील के उनको पीस लेंगे और 4 चम्मच चीनी है और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और कलर लिया है डेकोरेशन के लिए फूड कलर। और करीब 1 लीटर दूध ही हम उबाल रहे हैं, इसे हमें तेज आंच पे उबालना है, धीमी आंच पे नहीं उबालेंगे। इसे इस तरह से हिलाते रहेंगे, अगर तेज आंच पे उबालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसका कलर वाइट रहेगा, और धीमी आंच पे उबालोगे तो इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाएगा। पनीर जो हमने बनाया था इसे इस तरह से हम मैश कर लेंगे, अगर आप हाथ से कर सकते हो हाथ से कर लीजिए और मैशर होता आप उसे मैशर से भी कर सकते हो। पनीर को अच्छे से मैश करना है हमें, जिस तरह से मैं करूँ उस तरह से पूरा एक सार हो जाना चाहिए, इस तरह से ही पनीर को हम मैश करेंगे। और जब हमारा पनीर मैश हो जाएगा तो इसको हम एक साइड में रख देंगे और हमारे जो दूध हम उकाल रहे हैं उसे बार बार हम हिलाते रहेंगे, उसे देखते रहेंगे। दूध को हमें हिलाते रहना है बार बार, वरना ये चट जाएगा और इससे स्मेल में जला जला सा स्मेल आने लगेगा। जब ये 1/4 रह जाए तब हम इसमें और चीज़ें मिलाएंगे, जैसे मलाई, चीनी, पनीर, ये सब मिलाएंगे। जब ये 1/4 रह गया तो हमने इसमें जो मलाई 4 चम्मच ली थी वो इसमें मिला दी है और मलाई को अच्छे से हम दूध में एकसार कर लेंगे। और जब मलाई अच्छे से मिल जाएगी तो इसमें हम जो चीनी हमने 4 चम्मच लिए वो ही लेंगे। मीठे का ज़्यादा चाव ना करें, मीठा इसमें कम ही अच्छा लगता है, बाकी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग बड़ा घटा सकते हो। मैंने 1 लीटर दूध से सारी चीज़ें बनाई है, मतलब 1 लीटर दूध को उबाला है, उसको 1/4 किया है और पनीर के लिए जो हमने पनीर बनाया वो भी हमने 1 लीटर दूध का ही बनाया और इसमें सिर्फ हमने 4 चम्मच ही चीनी ली है, ये बहुत सफिशियंट है। बाकी आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप मीठा और कर सकते हो। हमने दूध में चीनी मलाई के बाद इलायची पाउडर डाल दिया और अब हम इसमें डाल रहे हैं पनीर जो हमने अच्छे से मथ लिया था, उसको एक सार कर लिया था। और पनीर और दूध को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये एक सार ना हो जाए। दूध जितना पकेगा उतना ही हमारी ये जो मिठाई है क्रीमी हो जाएगी। और दूध को तब तक ही पकाना है जब तक ये पनीर में अच्छी तरह मिल ना जाए, कढ़ाई से छूट ना जाए। जिस तरह से ये गाढ़ा हो चुका है इससे भी ज़्यादा हमें इसे गाढ़ा करना है। अभी भी इसमें दूध बाकी है पनीर में, जब पनीर पूरा ऑब्जर्व कर लेगा दूध को पूरा पक जाएगा उसके बाद ये लड्डू बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इसे आप दूध के लड्डू भी कह सकते हो, मलाई के लड्डू भी कह सकते हो और पनीर के लड्डू भी कह सकते हो, आपको जो नाम देना है वो दीजिए। पनीर और दूध एकसार हो चुके हैं और कढ़ाई से ये छूटने भी लगा है और ये अब पनीर के लड्डू बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। इससे पहले हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसके लड्डू बनाएंगे। ठंडा होने के बाद ही बनाएं, वरना आपके हाथ भी जलेंगे और लड्डू बन भी नहीं पाएंगे। इस तरह से ये लड्डू हमने तैयार कर लिए हैं और एक एक करके सारे लड्डू इस तरह से हम बना लेंगे। मुश्किल से ये 15 से 20 मिनट में बनने वाली मिठाई है और बहुत ही टेस्टी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। इस तरह से ही हमारे सारे लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं और लड्डू का अगर सुंदर सा डेकोरेशन किया जाए ड्राई फ्रूट से, कलर फ्रूट से, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैं एक एक बिंदी लगा रही हूँ उंगली की सहायता से कलर की, ये फूड कलर है, आप भी इस तरह से फूड कलर लगा सकते हो या फिर आप अगर केसर खोल के लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। और अब हम इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे जिससे ये मिठाई हमारी बहुत सुंदर लगेगी इस तरह से। मुझे पूरा विश्वास है आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत जल्दी बन के तैयार होने वाली मिठाई है, आप इसे अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो, पनीर के लड्डू, मलाई के लड्डू, दूध के लड्डू, जो मर्जी में है वो नाम दीजिए। और दिखने में कितनी सुंदर लग रही है उतनी ही ये टेस्टी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो तो आपने पूरा देख लिया,
चलिए उठिए और तुरंत रसोई में जाइए और फटाफट से इस मलाई के लड्डू, पनीर के लड्डू, दूध के लड्डू वाली मिठाई को बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये मिठाई कैसी लगी। एंटायर हाउसहोल्ड के सारे सब्सक्राइबर और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाले हर त्यौहार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।